आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जंगीपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़ा जनसैलाब। गाजीपुर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय जंगीपुर विधानसभा में कल दिनांक 24 सितंबर 2022 की देर शाम तक भारत जोड़ो यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर के अध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में स्थानीय फकीरा मस्जिद से प्रारंभ होकर जंगीपुर मंडी तक निकाली गई। इस यात्रा में जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि देश की वर्तमान मोदी सरकार की नीतियों से चंद अमीरों को ही लाभ मिल रहा है, जबकि मध्यम वर्गीय और गरीब, चाहे व्यापारी हो, रोजी रोजगार या फिर देश का किसान हो, सभी परेशान हैं। महंगाई चरम पर है और सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम पर, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हर जगह किया जा रहा है। वहीं यात्रा का आयोजन करने वाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महबूब निशा ने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों के चलते आज धर्म, मजहब, जातिवाद की समस्या चरम पर है। लोग एक दूसरे पर अविश्वास ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरदिल अजीज नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसके क्रम में ये यात्रा जंगीपुर में निकालकर लोगों से जनसंपर्क भी किया गया और जनता के दुख दर्द को समझते हुए कांग्रेस की नीतियों को बताया। यात्रा का आयोजन महबूब निशा जी, राजेश गुप्ता जी, विद्याधर पांडे जी ने किया। पदयात्रा में मुख्य रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष मार्कंडेय सिंह, राजेश गुप्ता, विद्याधर पांडे, अजय श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव, सतीश उपाध्याय, आशुतोष गुप्ता, चंभित राम, जंघई सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, विभूति राम, उमा शंकर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, जनार्दन राम, अरुण गुप्ता, सुमन चौबे, संजय सिंह, सैफ अली, शकीला बानो, जखीरा, मुस्ताक अली आदि लोग पदयात्रा में मौजूद रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।